इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अगर किसी वजह से आपको पॉलिसी को उसके शुरुआती साल में ही सरेंडर करना पड़ता है तो आपको सरेंडर वैल्यू के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। इस पुराने नियम को बदलते हुए IRDAI ने बीमा धारकों की इस चिंता को दूर कर दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिए हैं कि बीमा धारकों को पहले साल में ही सरेंडर वैल्यू देना शुरू करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पॉलिसी प्लान की 10 साल की मैच्योरिटी है लेकिन आप उस पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले ही सरेंडर कर देते हैं तो जो रकम आपको मिलती है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। जाहिर है ये रकम मैच्योरिटी पर मिलने वाले फुल सम इंश्योर्ड से कम होगी। इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई पॉलिसी होल्डर एक साल तक पॉलिसी के प्रीमियम का पूरा पेमेंट करता है तो वो पॉलिसी सरेंडर करने पर स्पेशल सरेंडर वैल्यू का हकदार होगा। इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी सरेंडर पर पेड अप सम इंश्योर्ड के साथ पेड अप फ्यूचर बेनिफिट्स भी देने होंगे, जैसे कि इनकम बेनिफिट वगैरह, अगर उस पॉलिसी में ये सब बेनिफिट शामिल होते हैं। इसके साथ ही सरेंडर वैल्यू पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसके लिए IRDAI ने कहा है कि कैलकुलेशन 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर होगी। बीमा कंपनी इसके ऊपर अधिकतम 50 BPS की कुशनिंग मिलेगी, यानी कि अगर आपको 50 BPS है तो उसे जोड़ देंगी। साथ ही 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड पर SSV यानी स्पेशल सरेंडर वैल्यू को लेकर हर साल इसे रिव्यू किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर के इस नए ऐलान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।